दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रिम राइट नाउ। और जब मेरा रिम आ जाएगा, मतलब इम्पोर्ट होने में टाइम लगता है तो कभी कभी एक एक महीना डेढ़ महीना लग जाता है, तो जब मेरा रिम आ जाएगा तो मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। What is up YouTube? This is Prashant and welcome to my channel। तो फाइनली आज जो मेरे बाइक के रिम है वो आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल मैं वहीं पर जा रहा हूँ, कावासाकी वेस्ट दिल्ली। बाइक के एलॉयज बदलवाने, क्योंकि बैंड हो गए थे। इससे आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो मेरे को अपने बाइक के एलॉयज चेंज कराने हैं, उसके अलावा फ्रंट वाला टायर और एक तीसरी चीज़ मैं अपनी बाइक में ऐड कर रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ अपनी बाइक में, कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ देखने के लिए और इनके प्राइसेस देखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और बाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है यार। अब इसके अलावा एक प्रोडक्ट है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बस एक सेफ़ पार्किंग ढूंढ लूँ फिर मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, मैं इसके बारे में बात कर रहा था और इसकी जो स्पेसिफिकेशन और इसका मैं रिव्यू इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर के साइड में दे दूंगा। और थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देता हूं। तो ये 6 लेयर है, ब्रीथेबल है और वॉशेबल है, आप इसे वॉश करके पहन सकते हो, रीयूज़ दोबारा हो सकता है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड करी है कि एडजस्टेबल ईयर लूप्स है इसमें अब, तो अकॉर्डिंग टू योर साइज़ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सही चीज़ इन्होंने भी ऐड की है। तो इसका जो प्रोडक्ट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी इस पर ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ले सकते हो। क्वालिटी वाइज भी, कंफर्टेबल लेवल भी, उन सब चीज़ों में मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत सही लग रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप अमेज़ोन पे जाके इसको ले सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं शोरूम पर जा रहा हूँ और शोरूम पर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा मैं अपनी बाइक में क्या क्या करा रहा हूँ। तो सीधा मिलते हैं शोरूम पर। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बैंड लग रहा है। जब बाइक में रिम लगा हुआ था जब इतना ज़्यादा बैंड नहीं लग रहा था, और अब निकलने के बाद देखो कितना ज़्यादा बैंड लग रहा है रिम। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इन्हें कहते हैं विंगलेट्स और इनका काम वैसे ही होता है जैसे स्पॉइलर का काम कार्स में होता है। तो ये डाउनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं और व्हीली ना लगे उसके लिए हेल्प करते हैं, उन्हें रोकते हैं। फाइनली मैं अपने घर पहुंचने ही वाला हूं, तो मैं आपको इनके प्राइसेस बता देता हूं। तो मैंने अपना फ्रंट रिम चेंज कराया जिसकी कॉस्ट है अराउंड 62,000। फ्रंट टायर चेंज कराया जो कि है परेली का रोसो 2 जिसकी कॉस्ट है अराउंड 11,000। और जो थर्ड जो चीज़ मैंने अपनी बाइक में कराई थी वो होती है विंगलेट। मैंने अपनी बाइक में विंगलेट लगाया है जिनकी कॉस्ट है अराउंड 16,000। और ये सब जो प्राइजेज़ है ये नेगोशिएट होने के बाद है। तो प्रूफ के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।